एससी स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब सरकार कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ भाजपा एससी मोर्चा सड़कों पर उतरा और स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर इंसाफ की मांग और रोष प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। निर्देश सानू जारी हुए सी कि मंत्री धर्म सिंह साधु सिंह जड़े ने कांग्रेस के मंत्री ने इन्होंने जोड़ा दलित समाज के बच्चों का स्टूडेंट का वजीफा करोड़ों रुपया जोड़ा आ वह हड़प लिया आ और इन्हों क्लीन चिट देती आ मंग करद पूरे पंजाब धरना प्रदर्शन करके सरकार अगे कि यदि पूरी जाँच होनी चाहिए सी बी आई तो कि जरा कि दलित समाज के बच्चों उन्होंने हक मिल सके। एससी मोर्चा दलित जी बेटी आ हादसा सिंह जरा कांड होतरेगा सड़क तो उतरेगा। देखो जी भारतीय जनता पार्टी जी यूपी सरकार हम अपने योगी सरकार जी इस बेटी के हक में बड़ा कुछ कर रही है। सरकार ने तो पाबंदियां लगा दी किसी जान नहीं दिता परिवार को यह ताडे साढ़े कहने की गल आ तुसी मीडिया दे विच वेखो सरकार खुद जाने की आगे कह रही है। एससी मोर्चा की करेगा उहदे बाद एससी मोर्चा भी उत्थे काम कर रहा है एससी मोर्चा भी उत्थे काम कर रहा जो जाने की भारतीय जनता पार्टी सानू हुक्म जारी करेगी उस अकॉर्डिंग असीं तुहानू लगता कि स्कॉलरशिप घोटाला तो एक जगह चलो अपना जरूरी है तुसीं इहदे वास्ते उतरे हो सड़कां ते बिल्कुल बिल्कुल नहीं हैगा हादसा वाली घटना उहदे वास्ते सड़कां ते उतरना चाहिए इंसाफ दिलाने लई। देखो जी उहदे वास्ते जाने की देखो हथरस वास्ते जिहड़ी कि यूपी सरकार जिहड़ी आ ना उह बिल्कुल खरी उतरेगी जे और जो कर रही आ ये सानू सारे नू पता आ और उन्होंने मेरे ख्याल में दोषियों नू सज़ा मिलेगी। अज का जो धरना प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा वालों लगाया गया पूरे पंजाब दे विच एससी मोर्चा वालों ये धरना प्रदर्शन जड़ा कीता जा रहा ये साड़ी जो मंग है जो साडे दलित समाज के बच्चों के जो वजीफा केंद्र सरकार वालों आए थे वो जो घोटाला कांग्रेस सरकार के मंत्री वजो किया गया बाद इंक्वायरी भी लगाई गई इंक्वायरी के क्लीन चिट भी देती गई ये इंसाफ नहीं है ये सरासर धक्केशाही है। अज का जो धरना प्रदर्शन है इस वास्ते लगाया गया भी यदि प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए है और जो वजीफिया के पैसे वो दलित समाज के बच्चों के आए हैं वो उन्होंने हक जो उन्होंने मिलना चाहिए अज का धरना प्रदर्शन का यह मकसद है जी। दलित समाज वालों धरना लगाया जा रहा है एक मंत्री के खिलाफ लगाया जा रहा है जबकि हादसा के दलित समाज की बेटी ही कर्म होया उसकी हत्या हो गई तो कि भाजपा का दलित जरा मोर्चा है उसे जाके मोर्चा लगाएगा वो हक बहुत 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 दुखदाई घटना बहुत वाला क्राइम है और बहुत निंदन योग जिनी यदि निंदा की जाए घट है। भारतीय जनता पार्टी हर एक जो भी है धक्का जो समाज नाल हो रहा सारे पीड़ितों नाल खड़ी है और उन्होंने इंसाफ वास्ते जिते जो लड़ाई लड़न की जरूरत है वो लड़ी जाएगी। धरने तक जी गल या घोटाले की गल आ एससी दे जिहड़ा स्टूडेंट का जो भी घोटाला होया दा वा वो गल तो सही आ पर यह घोटाले की गल तो काफ़ी देर तो चल रही थी। अज साढ़े एससी समाज के रोस ज़्यादा यह आ कि हाड़ी भैन जी यूपी के हाथरस जिदे ना बलात्कार होया वा जिदे ना इन्नी दरिंदगी हुई आ असी उस मुद्दे पर अज साडा पंजाब बंद सीगा साढ़े पंजाब बंद की कॉल सीगी ये पार्टियां बाजियां वा जिहड़ियां ये सानू दलित समाज नू वरगला के साडा इन्होंने रुख मोड़न की कोशिश करन दे आ साडा स्ट्रगल जिहड़ा चल रहा अज साडी भैन मनीषा दे नाल होई बेअदबी के उत्ते चल रहा है। मैं कहना जी भाजपा वास्ते भी धरने लाने चाहिए आ जे कहता मतलब वो जे अज वाल्मीकि समाज की बेटी आ तो जे पहले भी उस तो पहले जो कांड होया बलात्कार का उस कुड़ी सिंगापुर ले जाया गया से साड़ी अज गरीब भैन ही उसनू कित भी नहीं खड़िया गया कहता मतलब देह दे नाल भी खिलवाड़ ही हुंदा रहा 14-15 दिन तड़फदी रही आ किसी चंगे होस्पिटल च नहीं खड़िया गया उन्हों किते उन्हों कोई चंगी फैसिलिटी नहीं मिली रात 2:30 बजे उहदा संस्कार कर दिता जांदा वा प्रशासन सारा रलिया भाजी। मैं कहना सारे बहुत साडा ना ध्यान भटकण दी गल करा रहे कोशिश करा रहे जे साडा ध्यान उधरों भटका रहे कुड़ी साडी भैन वल्लों तो सानू गलत दिशा वल खड़ रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।